नमस्कार, आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और सकारात्मक हैं। जैसा कि हमने भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा था, उसके बाद आज हम अगला काल देखते हैं, अगला चैप्टर देखते हैं, वैदिक काल में। वैदिक काल, वैदिक काल, इसको ऋग वैदिक काल कहते हैं। ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल मतलब जो है वैदिक एज भी कहते हैं। वैदिक एज, वैदिक एज। जो सिंधु घाटी सभ्यता पर जो हमने चर्चा की थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था हमने, 1750 बीसी तक सिंधु घाटी सभ्यता आती है, 1750 और ये जो है 1500 बीसी से कितना तक चलता है, 600 बीसी तक चलता है, 1500 से 600 बीसी तक। तो इसको दो भागों में चलता है, दो टुकड़ों में टूट जाता है वैदिक काल। एक ऋग्वेदिक, ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक काल कितना, 1500 से 1000 बीसी तक, 1000 बीसी तक। और दूसरा जो है उत्तर ऋग्वेदिक काल, वैदिक काल, उत्तर ऋग्वेदिक काल कितना, ये चलता है 1000 बीसी से 600 बीसी। ये समय जो ईसा पूर्व का है बढ़ता है, पीछे आने पे आधुनिकता बढ़ती है, प्राचीनता कम होती है, जब समय कम डेट में बढ़ता है आगे। जैसे 600 बढ़ा, फिर 600 से आगे बढ़ता है, 400 आता है, 400 बीसी, फिर 1 बीसी, 1 एडी शुरू हो जाता है बीसी के बाद, 1 एडी से 300 99 100, फिर 99 बीसी, फिर क्या 100 बीसी, फिर 1 एडी आ जाता है। तो इस प्रकार समय इस प्रकार बढ़ता है। अब हम देखते हैं वैदिक एज में दो भाग होते हैं, ऋग्वैदिक काल चलता है और एक उत्तर ऋग्वैदिक काल, दोनों में अंतर रहता है। तो इसकी सामाजिक स्थिति थी, इसकी सामाजिक स्थिति, इसकी राजनीतिक स्थिति, इसकी राजनीतिक स्थिति, इसकी आर्थिक, इसकी आर्थिक, इसकी धार्मिक, इसकी धार्मिक, दोनों में कुछ ना कुछ अंतर रहता है। तो इस प्रकार दोनों को हम देखते हैं। जो हम देखते हैं इससे पहले, जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का उपयोग किया गया था। सिंधु घाटी घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन में घाट पर कांसे का प्रयोग किया गया, कांसा। तो इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, कांस्य युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। अब कांसे में क्या होता है, कॉपर और प्लस प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन होता है, कांसा जो होता है। तो कॉपर पहले आता है, तो इससे पहले जो देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता से पहले ताम्र पाषाणिक सभ्यता थी, मतलब तांबा और पत्थर का यूज किया जाता था। लेकिन जब भारत में इतिहासकारों ने इतिहास लिखा है, तो उसको तकनीक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ताम्र पाषाणिक सभ्यता लिखी है। तो थोड़ा सा ताम्र पाषाणिक सभ्यता में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ताम्र पाषाणिक सभ्यता को हम इस प्रकार देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर ताम्र पाषाणिक, फिर वैदिक काल। तो बीच में जो एक समय आता है यहाँ से यहाँ तक, ताम्र पाषाणिक, ताम्र पाषाणिक, पाषाणिक, कैल्कोलिथिक, कैल्कोलिथिक एज। अभी हम कैल्कोलिथिक काल जो है, जो कैल्कोलिथिक, इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं, फिर वैदिक काल पहुंचते हैं। कभी कोई छोटे मोटे क्वेश्चन रख देता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी कैसी, नगरीय, ये थी ग्रामीण, ये कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो कहाँ थी, बढ़िया उपजाऊ मैदान में थी, सिंधु का जो बाढ़ का मैदान था वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो इस प्रकार वहाँ कुछ उत्पादन हुआ, इस प्रकार वो नगरी के सभ्यता के रूप में बन गई, काफ़ी अच्छे दृश्य व्यापार हुआ। लेकिन यहाँ पर ग्रामीण था, यहाँ पर जो है पठारी जमीन थी, ऊबड़ खाबड़ जमीन, नदियों के किनारे ग्रामीण सभ्यता बसी, जो ताम्र पाषाणिक सभ्यता थी। इसमें तांबा और पत्थर दोनों का यूज किया गया कैल्कोलिथिक एज में। और ग्रामीण सभ्यता जो थी कहाँ पर बनी हुई थी, ये जो भारत तब, ये जो महाराष्ट्र क्षेत्र है, ये राजस्थान का कुछ क्षेत्र है, ये एमपी का मालवा क्षेत्र है, यूपी का कुछ
मालवा, ये काफी समृद्ध ताम्रपाषाण क्षेत्र था, ये कुछ कुछ सिंधु घाटी सभ्यता से मैच करता था। तो यहाँ पे नवदा टोली है, नवदा टोली क्षेत्र, कभी कभी पूछ लेता है नवदा टोली कहाँ पर है, तो नर्मदा क्षेत्र से ऊपर की ओर जो मालवा क्षेत्र है वहाँ पर है, एमपी में नवदा टोली। प्रश्न एक बार, नवदा टोली किस राज्य में है, किस संस्कृत से जुड़ा हुआ है, ताम्रपाषाण। फिर यहीं पर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्र हैं इधर ऊपर की ओर साइड में, कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र में उनमें कौन से हैं, जैसे एक जोरवे है, जोरवे, दैमाबाद, ये जो है कौन संस्कृत से ताम्रपाषाण। और इसी में जो कुछ और है, इनाम गांव है, इनाम गांव। तो कभी कभी पूछा है दैमाबाद, इनाम गांव, ये किस संस्कृत है, जोरवे, नाम जोरवे भी, तो इसको जोरवे संस्कृत भी कह देते हैं। महाराष्ट्र जोरवे संस्कृत कहाँ पर फली हुई थी, महाराष्ट्र में। अब देखते हैं ये यूपी का एक क्षेत्र चिरांग, ताम्रपाषाणी चिरांग, यूपी जो है। तो ये कुछ हमने क्षेत्र बताई ताम्रपाषाणी को, हमने थोड़ा सा हमने अंतर बता दिया कि ये ग्रामीण, ये शहरी थी, ये ग्रामीण थी, ये उपजाऊ मैदान में, ये पठारी क्षेत्र में हुई जहाँ नदियाँ का विकास हुआ पठारी क्षेत्र में। और इनमें कौन से कुछ है, आहार है, मिलुंद है, मालवा है, नवदा टोली, दैमाबाद, और बिहार में यहीं पे सोन गाँव पड़ता है, सोन गाँव। तो कुछ इसके फेमस स्थान थे। ये जो है नाम गाँव नीचे की ओर पुणे क्षेत्र में है। अब आगे हम चर्चा किस पे कर रहे थे, ऋग्वेदिक काल में। तो हम लोगों ने पूरा पाषाण से सिंधु घाटी ताम्रपाषाण, अब हम अपना जो है किस पे पहुंचे थे, वैदिक काल। तो वैदिक काल में थोड़ा समझते हैं, जो वैदिक काल का स्टार्टिंग, वैदिक काल की देखी जाए तो आर्यों के आगमन से होती है। अब आर्य कहाँ से थे, जो आर्य की देखा जाए विभिन्न नस्लें थी जो भारत में आई प्रमाणों के अनुसार, वरना कुछ लोग कहते हैं आर्य यहाँ के ही मूल निवासी थे, कुछ साक्ष्य नहीं मिले हैं। अभी हाल ही में राखीगढ़ी कुछ क्षेत्र में जो है आर्य भारत में होने के 10,000 ईसा पूर्व जो भारत में आर्यों के साक्ष्य मिले कि भारत आर्य जो थे भारत के मूल निवासी थे, तो वो एक विवादित मुद्दा रहता है कि यहाँ के हैं कि बाहर के हैं। तो हम देखते हैं आर्य जो थे, कुछ लोगों का मत यूरेशिया से आए, यूरेशिया का मतलब जो आल्पस यहाँ पर यूरोप है, जब पढ़ेंगे ऐसे से यहाँ पर जो है ये क्षेत्र जो यूरोप का है ये एशिया शुरू हो जाता है, तुर्की से एशिया शुरू होता है, रूस का कुछ क्षेत्र यूरेशिया में पड़ता है, मतलब एशिया यूरेशिया के बीच का क्षेत्र। तो यहाँ पर जो है यूरोप के पास आल्पस पड़ता है, कौन सा आल्पस, आल्पस क्षेत्र। तो आल्पस के इधर के हिस्से थे, पूर्व के हिस्से से आए भारत में आ रहे लोग आल्पस के, तो कुछ ने कहा यहाँ से आ रहे हैं आल्पस से। फिर कुछ का मत था कि यहाँ पर भारत, यहाँ पर जैसे है ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये मध्य एशिया पूरा ऊपर का तुर्किस्तान, तो यहाँ से आ रहे आए मध्य एशिया से, तो ये लगभग सही माना जा सकता है। क्योंकि जो ईरान में कुछ जगह थी, ईरान का जो एशिया माइनर अभिलेख है, कुछ चीज़ों को ऐसा माना गया है कि वहाँ से आ रहे आए। और दूसरा से बड़ा साक्ष्य है कि वहाँ के लोगों का डीएनए में किया गया डीएनए टेस्ट यहाँ के डीएनए टेस्ट में, तो ज़्यादा परसेंटेज तो है जो है यहाँ के लोगों का इससे मैच करता है। तो इसका मतलब जो मध्य एशिया से आर्य आए कहीं ना कहीं, हालांकि 40% मैच किया बहुत नहीं मैच किया, लेकिन तब भी कुछ कहा जा सकता है। और जो यहाँ पर ईरान की जिंदा अवस्था, जो अवस्था पारसी का जो प्रमुख जो ग्रंथ है अवस्था, तो उसके कुछ साक्ष्य जो हैं यहाँ के साक्ष्य से मिलते हैं। उनकी भाषा हिंद यूरोपीय जो है, उनकी भाषा कौन थी आर्य की, हिंद यूरोपीय थी, वो ऋग्वेद काल की जो भाषा थी हिंद यूरोपीय से मैच करती है। तो ये भी कह सकते हैं आर्य जो है मध्य एशिया से आए, ये हो गया मध्य एशिया का प्रमाण। कुछ लेखकों ने कहा उससे प्रश्न पूछे गए हैं, या महान विचारक थे, या उस समय फ्रीडम फाइटर रहे, आंदोलन करता देश के, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा जो आर्य है उत्तरी ध्रुव से आए पूछा गया है, आर्यंस होम ऑफ आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक में इनका निवास था आर्य लोगों का, तो मतलब उत्तर ध्रुव से आए। जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा ये तिब्बत पड़ता है चाइना के पास, तिब्बत से आए। जो अविनाश चंद्र दास एक काफ़ी इतिहासकार रहे, उन्होंने बताया कि जो है आर्य का क्षेत्र जो है सप्त सैंधव क्षेत्र था, मतलब सात नदियों के क्षेत्र में आर्य निवास करते थे। तो इस प्रकार आर्य के जो विषय में बताया है। फिर सप्त सैंधव आखिर क्या है, इसका जो चित्र है ऋग्वेद काल में मिलता है। सात नदियाँ जो है सिंधु, हमने बताया था उसकी पाँच सहायक नदियाँ, सिंधु की पाँच कौन सी थी, एक तो सिंधु हुई, उसकी पाँच सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज जो थी कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज,
उसमें एक नदी और ऐड कर लीजिए सरस्वती, तो वो जो आर्य का मूल निवास था सात नदियों का था। अब इनके नाम पूछे जाते हैं, जैसे सरस्वती का नाम, ठीक, सरस्वती का नाम तो घग्गर से मैच करता है, आज की घग्गर है। फिर जैसे चिनाब नदी का अस्कनी है, रावी का पुरुषणी है, तो इस प्रकार से प्राचीन नाम नदियों के पूछे जाते हैं। जो ये सप्त सैंधव क्षेत्र था, इसका कुछ हिस्सा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत में पड़ता, मतलब अफगानिस्तान में भी कुछ हिस्सा पड़ता है, तीन देशों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, तो आर्य लोगों का निवास इस क्षेत्रों में था। तो कुछ नदियाँ जैसे हैं कुंभा, कुर्म, ये नदियाँ अफगानिस्तान की हैं। जैसे कुर्म नदी को कुर्मो नदी जो है उसको कुर्रम नदी कहते हैं, कुंभा को अफगानिस्तान में काबुल नदी कहते हैं। पाकिस्तान में एक स्वात नदी है, उसका पहले नाम सुवास्त था, तो सुवास्त नदी का वर्णन मिलता है। गोमती क्षेत्र में थी गोमल नदी, उसको मिलता है गोमल नदी का। अब ये छह नदियाँ यहाँ पर रहती हैं। तो आर्य जो देखा जाए सप्त सैंधव में सबसे पहले कहाँ निवास किए, पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र था, पंजाब का, हरियाणा का, इस प्रकार आर्य लोगों का निवास था। ये पंजाब का हो जाता है, पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र हो जाता है, यहाँ पर हरियाणा पंजाब, हरियाणा का क्षेत्र, तो हरियाणा पंजाब, ये पंजाब पूरा और ये पाकिस्तान क्षेत्र, यहाँ सप्त सैंधव जो नदियों का क्षेत्र था उसमें आर्य का निवास था। फिर ये किसमें जिक्र ऐसा मिल रहा है, ये नदियाँ थी, इसका ये नाम था, कुर्रम था, कुर्मु था, कुंभा था, ये सब ऋग्वेद जो है उसमें जिक्र मिलता है। ऋग्वेद में बताया गया है कि सिंधु नदी, काफ़ी बार उसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन सिंधु नदी को कई बार बताया गया है। तो प्रश्न आ जाता है सबसे अधिक उल्लेख किस नदी का ऋग्वेदिक काल में रहता है, तो सिंधु नदी का रहता है। फिर आता है सबसे सर्वश्रेष्ठ नदी किसको माना गया है, मतलब जिसकी पूजा होती थी, नदीतमा की संख्या दी गई है, तो सरस्वती नदी है। सिंधु सरस्वती में कंफ्यूजन रहता है, तो सरस्वती सबसे श्रेष्ठ नदी है और सबसे अधिक उल्लेख सिंधु का है। फिर ऋग्वेद काल में जो ऋषियों के नाम बताए गए हैं, दस प्रमुख ऋषि, उनके आधार पर मंडल बांट दिए गए, कभी कभी मैच भी कॉलम में आ जाता है, पांचवा मंडल, सातवां मंडल, छठा मंडल, पहला मंडल, किस ऋषि का तीसरा मंडल, या उस मंडल की क्या विशेषता है, इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। अब ऋग्वेद काल में जो है चार वेद लिखे गए मुख्यतः, जैसे ऋग्वेद, अथर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद की क्या विशेषता है, क्या उसके उपवेद हैं, उसके जो पुरोहित का क्या नाम है, इस प्रकार से प्रश्न बहुत पूछे गए हैं। परंपरागत रूप से देख लेंगे इससे जैसी परीक्षाओं में छोटे एग्जाम्स होते हैं मंडे, उनमें भी पूछे गए हैं। जो हर एक वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, एक उसका उपनिषद है और अरण्यक है। ज़्यादातर जो वेद हैं चारों वेद में लगभग ऋग्वेद को छोड़ दें तीन वेदों में अरण्यक नहीं है। तो हमें जो तीन वेद हैं कौन से, पहला ऋग्वेद, फिर दूसरा जो उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद, इनके क्या हमें पढ़ने हैं, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है पूछे गए हैं प्रश्न, और उपनिषद क्या है इनके प्रश्न पूछे गए हैं, उससे संबंधित जो विशेषता है वो पूछी गई है। और फिर इसका जो साहित्य है उसमें हम चर्चा करेंगे, इसमें महाकाव्य ऋग्वेद काल में जो महाकाव्य रामायण महाभारत आए, इसको क्या नाम प्राचीन थे, इसके रचयिता का क्या नाम है, इसमें कितने श्लोक हैं, क्या है, कैसे महाभारत हुआ, जय संहिता हुआ, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूछे गए भी हैं आदि के एग्जामों में। और स्मृतियाँ जो है, नारद स्मृति, मनु स्मृति, पराशर स्मृति, कई सारी स्मृतियाँ हैं, वेदांत जो हैं उन पर चर्चा करनी है। तो इस प्रकार फिर उनकी सामाजिक स्थितियाँ, राजनीतिक, आर्थिक, इन पर चर्चा करनी है। इस प्रकार हम लोग जो है ऋग्वेद को अच्छे से समाप्त करेंगे। तो देखते हैं आगे, सतलज, इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं इनका जो है सतलज,
क्लच रिवर्स है। तो सिंधु का नाम सैंधव का ही, इसमें कुछ नहीं है। झेलम का वितस्ता हो जाता है, नाम प्राचीन नाम क्या था ऋग्वेद में, इसका क्या नाम किया गया वितस्ता से किया गया वितस्ता। चिनाब का अस्किनी नाम रखा गया है अस्किनी। रागी का पुरुषणी कहा गया है, मैं इसकी कॉलम में आ जाता है कभी के सम्मिलान पुरुषणी पुरुषणी नदी। फिर व्यास का विपासा, ये नाम याद ही रहेगा, एक्ट्रेस का नाम है। एक सतलज, सतद्रुप भी कह देते हैं लेकिन सतलज का इतना नाम नहीं इम्पोर्टेंट लगता है। चिनाब, रागी, व्यास, झेलम, खासकर झेलम चिनाब का बहुत बार पूछा गया नाम है और रागी का भी पूछ लिया जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं जो अफगानिस्तान पाकिस्तान में, पाक एंड अफगान, यहाँ पे नदियों के कौन से नाम थे, जैसे कुंभा, कुछ नदियाँ ऐसे हैं कुरुम जिसको का क्या है कुर्रम। फिर कुंभा, काबुल नदी, नदियों के नाम हैं। फिर गोमती, गोमल, हालांकि गोमती अब तो भारत में है लेकिन जिक्र सब किया गया है, गोमल के नाम पूछे गए हैं गोमल। और एक जो है पाकिस्तान की प्रमुख नदी उस समय की, इसमें भी है स्वात, ये गोमल यहाँ लिखते हैं गोमल, ये गोमती पहले नाम था गोमती। ठीक, अब जो है यहाँ पर स्वास्थ्य, ये अब क्या नाम है स्वात नदी। ये जो हमने लिखे हैं प्राचीन नाम, ये हमने इधर प्राचीन लिखे हैं, इसको मैच कर लीजिएगा। तो ये अब इसमें सबसे ज़्यादा उल्लेख ऋग्वेद आता है, ऋग्वेद में 10 से 28 रूप हैं। इसमें क्या देव भगवान की स्तुति की गई है, तो इसमें जो है स्तुति छंद या दोहे जो स्तुति के रूप में इसमें विषय रहता है कि आवाहन करते हैं यज्ञ के माध्यम से देवताओं को खुश करने का, तो ऋग्वेद में ये रहता है मैटर। अब ऋग्वेद में क्या रहता है, जो नदी सबसे ज़्यादा यहाँ पर ऋग्वेद में दो नदियों के बाद बोल होती है, सिंधु प्रश्नाया सबसे उल्लेख, सबसे अधिक बार उल्लेख और सरस्वती, इसको संज्ञा किसकी दी गई, नदीतमा, इस नदी को कहा गया है नदीतमा, पूछा गया है नदीतमा, इस नदी को ऋग्वेद काल में कहा गया है सर्वश्रेष्ठ नदी या पवित्र नदी, जो वर्तमान में गंगा है अफगानिस्तान में कुछ नदी से तुलना इसकी कर दी जाती है, कोई नदी ऐसे हैं कुछ नदी अफगानिस्तान की वर्तमान में है। तो इस प्रकार देखते हैं तो सब संधों में जब आए तो उन्होंने घोड़ों का प्रयोग किया, क्योंकि इतनी लंबी दूरी से आए इधर उधर फैलाव किया, तो उन्होंने किस जानवर का उपयोग किया, घोड़े का, क्यों 3000 ईसा पूर्व में घोड़े के साथ शिवराल पर्वत की गोप के कुछ क्षेत्र में पाए भी गए हैं, वहाँ से यहाँ के भी साक्ष मैच किए गए हैं भारत से। तो ये अंदाजा लगा है कि आर्यों ने घोड़ों का प्रयोग किया, आर्य लोगों ने बर्छी कटार तलवार टाइप के लोहे के बनस्त्रों का उपयोग किया, तभी वह जीतते चले गए, हर जगह अपने क्षेत्र का विस्तार उन्होंने कर लिया। सिंधु घाटी के लोग जो है घोड़े से अपरिचित थे क्योंकि उनका शासक वर्ग कोई था नहीं, तो इसलिए वो युद्ध वगैरह में उनकी कोई जिक्र नहीं उनका मिलता, युद्ध वगैरह में ना उनकी कोई इच्छा दिखती है ना उनका कोई ऐसा विस्तार की नीति आती है। आर्यों में क्या था, इन्होंने रथ का प्रयोग किया, घोड़ों का प्रयोग किया, अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, लोहे से बने जो अस्त्र थे, तो ये भी पूछा जाता है लोहे से सिंधु घाटी के लोग अपरिचित थे लेकिन लोगों ने जमकर उसका प्रयोग किया है आदमी। अब आती ही बात ऋषियों के नाम पर मंडल, ये भी प्रश्न आ चुके हैं तो इस पर भी देखते हैं। नाम पर मंडल है जो दो से सात मंडल सबसे प्राचीन, और जो पहला मंडल हुआ प्रथम
वह दसवां दसवां मंडल मंडल क्या है, सबसे बाद में जुड़े गए, सबसे बाद में जुड़े गए फिर देखते हैं जुड़े गए। अब इसमें क्या रहता है, प्रथम मंडल, प्रथम प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय, ऐसे मंडल देखते हैं, चतुर्थ, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां और दसवां, नवां और दसवां मंडल। तो प्रथम मंडल क्या क्या है, अंगीकार, अंगीरा, अंगीरा, अंगीरा ऋषि प्रथम मंडल में बात होती है, जो पहले मंडल से संबंधित जो है अंगीरा ऋषि है, दूसरे में ग्रह समझ है, ये देवताओं राजाओं की वंशावली, देवताओं की वंशावली, देवताओं की वंशावली, वंशावली। सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा मंडल रहता है, ये विश्वामित्र का है, इससे प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, विश्वामित्र, यानी इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, गायत्री मंत्र दिया है विश्वामित्र ने, गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में। ये किसको समर्पित है, सविता को समर्पित है, ये किसको समर्पित है, सविता को, सविता को समर्पित है, समर्पित है, समर्पित, समर्पित, समर्पित। कैसे सविता को समर्पित, सविता कौन देवता को माना गया है, जो सुबह प्रातः काल का जो सूर्य भगवान है उनको जो सविता कहा गया, प्रातः काल की जो सूर्य की लालिमा जो होती है, प्रातः काल के सूर्य को जो जल चढ़ाया जाता है उन्हें सविता माना गया है। अब देखते हैं तीसरा चौथा मंडल कौन सा है, इसमें जो है कुछ मंडल के बारे में बताया गया, जैसे वामदेव मंडल, वामदेव कृषि के देवता संबंधित है, कृषि से संबंधित देवता है, कृषि से संबंधित वामदेव का अत्रि पांचवा मंडल, अत्रि, अत्रि छठा मंडल, भारद्वाज, भारद्वाज, भारद्वाज ऋषि उन्हीं के नाम पर। सातवां मंडल जो है वशिष्ठ, वशिष्ठ, फिर कण्व मंडल, कण्व, कर्ण ऋषि से संबंधित कर्ण मंडल, फिर जो है सोम मंडल, सोम ऋषि संबंधित है, और ये वेद सूत्र मंडल, वेद सूत्र दसवां मंडल। तो कभी कभी मंडल का पूछ लिया था, खासकर जैसे विश्वामित्र सबसे इम्पोर्टेंट है, अब भरद्वाज और वशिष्ठ में मिलान पूछ लिया था है, क्योंकि भरद्वाज छठा सातवां वशिष्ठ तो इससे संबंधित रहता है बात। अब देखते हैं दसवें मंडल में पुरुषोत्तम की बात कही गई है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो अब जो है आता है मंडल से संबंधित प्रश्न जो आए उनसे हो सकता है ये बात, सबसे प्राचीन मंडल किसको माना गया है, अब जो है किसको कैसे वेद जो है उनको रखा गया है, वेद ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है जिनके बारे जिनसे उस समय के बारे में पता चला है, उस समय कैसे आर्य शब्द भी आया है ऋग्वेद में ही, आर्य 36 बार आया है, 36 बार आर्य आया है, तो इससे बदलता है आर्य जो है ऋग्वेद से संबंधित है, ऋग्वेदिक काल से। तो अब हम देखते हैं ऋग्वेद चार वेद कहते हैं, ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सबसे लास्ट में यही आता है, ये उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना मान लीजिए होती है। ऊपर के तीनों वेद त्रयी कहलाते हैं, त्रयी, ये प्रश्न पूछा जा चुका है इनमें से कौन सा वेद त्रयी में नहीं है, ऑप्शन चारों देता है तो कौन सा नहीं, अथर्ववेद नहीं है त्रयी में। अब हम ऋग्वेद पे चर्चा करते हैं, इस पर प्रश्न पूछे गए हैं, हर मंडल की तीन चीज़ें याद रखनी है, उससे प्रश्न काफ़ी पूछे जा चुके हैं, एक ब्राह्मण ग्रंथ आता है मंडल में, ब्राह्मण ग्रंथ एक बार, उसके उपनिषद क्या है, उपनिषद से प्रश्न आए हैं, उपनिषद, फिर तीसरी बात अरण्यक, अरण्यक क्या है, हर मंडल के तीन होते हैं लेकिन केवल ऋग्वेद में अरण्यक है और इसी में अरण्यक नहीं है। अरण्य क्या होता है, ये जैसे जो रहस्यमय चीजें होती हैं, अरण्य का मतलब है जंगल, तो रहस्यमय जो जंगल में चीजें घटित हुई उनमें अरण्य में जिक्र होता है उन चीज़ों का, ये सब में नहीं है केवल ऋग्वेद में है। तो इस प्रकार हम हर जो वेद के तीन चीजें देखेंगे और साथ में हम हर वेद के और कौन सी चीजें देखेंगे तीन, एक तो इसके पुरोहित का नाम पूछा जाता है, ऋग्वेद के पुरोहित का नाम क्या था, अथर्ववेद के पुरोहित का नाम क्या था, फिर इसका उपवेद क्या है,
और विषय क्या है, विषय। इस प्रकार हम तीन चीजें इसके साहित्य से और तीन चीजें इससे भी जुड़ी इंफॉर्मेशन है, किसने रचयिता है, कौन सा विषय है, ये प्रश्न। तो एक एक पेज को इस प्रकार हम देखेंगे। थोड़ा जटिल टॉपिक लग रहा होगा लेकिन ये एक दो बार देखेंगे तो आ जाएगा, और जो प्रश्न आएंगे तो आप गेस भी लगाएंगे तो आपका सही जाएगा कि आप पढ़े होंगे। तो अब देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में तो इसका पहले ब्राह्मण, पहले इसकी हम चर्चा करते हैं, इसकी तीन विशेषताएं। तो इसका पहला जो उपवेद है, ऐसे पहले पुरोहित कौन है, रचयिता इसकी, इसको किसने, हालांकि रचयिता माना गया है अनुसूचित ऊपर से आए हुए हैं, ये फिर कोई रचयिता नहीं है, लेकिन हर एक वेद का पुरोहित माना गया है। तो पुरोहित जो है, पुरोहित किसे कहा गया है इसमें, होत्र को, होत्र नाम के पुरोहित, जब कभी होत्र जो है किसके पुरोहित, ऋग्वेद के थे। इसका उपवेद कौन है, उपवेद पे चर्चा होती है, तो इसका उपवेद आयुर्वेद है, आयुर्वेद है, आयुर्वेद है उपवेद। अब इसके विषय क्या है, विषय स्तुति है, ईश्वर के लिए स्तुति है, देवताओं के लिए स्तुति, स्तुति या यज्ञ स्तुति है, मतलब उस समय के लिए कि होते थे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, उसके बारे में सूक्त हैं, श्लोक हैं। फिर अब हम देखते हैं इसमें कौन प्रश्न पूछे जाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ से प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें से किसका ब्राह्मण ग्रंथ है पूछ लिया गया है प्रश्न, कई बार इन प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं इस प्रकार के प्रश्न। ब्राह्मण ग्रंथ इसके कौन है, एक तो कौशिक की है, कौशिक की, कौशिक की, कौशिक की, दूसरा ऐतरेय, 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 ये दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और जो इसके जो है क्या है, उपनिषद, जो उपनिषद क्या है, उपनिषद भी यही है, तो इसलिए सरल पड़ जाता है, उपनिषद भी इसके क्या है, यही दोनों है। पहला कौशिकी, कौशिकी, कौशिकी और ऐतरेय, ऐतरेय। और अरण्यक क्या है इसके, अरण्यक भी यही है, अरण्यक भी कौशिकी, कौशिकी और कौन सा जो है ऐतरेय, ये हो जाता है ऐतरेय। अब देखते हैं कौन सा मिल जाता है, इससे यही प्रश्न ऐसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आयुर्वेद किसका उपवेद है, ऋग्वेद का पुत्र किसका पुरोहित कहलाता था, ऐतरेय किससे संबंधित है ऋग्वेद से, ऐसे प्रश्न पूछ जाते हैं। फिर हम किसके जगह सोमवेद, सामवेद, सामवेद, सामवेद में जानते हैं जो आजकल का संगीत है उसका जो मूल है वो सामवेद से मिला है, सारे गामा का जो सामवेद, सामवेद में क्या संगीत का मतलब क्या होता है, एक तो उसमें गायन होता है, गाते हैं लोग, फिर एक होता है वादन, तबला वगैरह जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका होता है वादन, फिर जो है क्या होता है नृत्य होता है, नर्तन जिसको कहते हैं, डांसिंग वो होती है, तो संगीत तीनों से मिलकर बना होता है। तो सामवेद में गायन, पहले विषय, पहले इसके देखते हैं सामवेद के बारे में, पहले इसके किस पे चर्चा करते हैं, इसका पुरोहित, पुरोहित कौन है, पुरोहित उद्गाता, गाते हैं सामवेद संगीत है तो गाते हैं, तो इसे याद है गाता है, उद्गाता हो गया। फिर जो इसका विषय, विषय के पहले हम देखते हैं उपवेद क्या है, उपवेद, उपवेद क्या इसका है, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। फिर जो है इसका, इसका जो है विषय क्या है, विषय संगीत है, संगीत, संगीत किस प्रकार होता है, नर्तन, गायन, वादन, वादन, ये लगभग ऋग्वेद से इसमें बहुत चीज़ें मिल जाती हैं सामवेद में आती है। अब इसके कुछ जो होते हैं पूछे गए हैं ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, अरण्यक, अरण्यक इसमें है नहीं, अरण्यक है नहीं, चर्चा नहीं करने की। अब जो है इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, जो ब्राह्मण ग्रंथ में इसके देखेंगे तो इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ प्रमुखता है, जो इसका जो किसके हम सामवेद की बात कर रहे हैं, जैमिनी है, जैमिनी एक पंचविश, ये पूछा गया है पंचविश, पंचविश किससे संबंधित है, तांडव भी इसका है, तांडव भी इसको
महाब्राह्मण भी कहा गया है, महाब्राह्मण ब्राह्मण और षड्विश विश के नाम है, षड्विश। लेकिन इसमें हमें किस पे फोकस करना, पंचविश और तांडव, ये दो शब्द ज्यादा पूछे गए हैं, पंचविश और तांडव। अब इसके जो है हम देखेंगे, जो इसमें हम इस पे चर्चा करेंगे, इसका जो उपनिषद है, उपनिषद, उपनिषद, इसका उपनिषद क्या है, उपनिषद में इसके काफी प्रश्न चर्चा में रहते हैं। जैमिनी एक उपनिषद हो गया, जैमिनी ये इतना खास उपनिषद नहीं है। दूसरा उपनिषद बहुत पूछा जाता है, छंद्योगोपनिषद, छंद्योगोपनिषद, छांद्योगोपनिषद, छांद्योगोपनिषद या छंद्योगोपनिषद आ जाता है। ये क्या है, इसमें जो देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता है, सबसे पहला जो कृष्ण का प्रामाणिक उल्लेख है तो इसी में मिलता है, कृष्ण का उल्लेख मिलता है। पूछा गया है कृष्ण का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, यस कृष्ण का उल्लेख किस वेद से संबंधित है, सामवेद से संबंधित। अब जो है छंदोगोपनिषद में ही आश्रम, तीन आश्रम बताए गए हैं, तीन आश्रम पालो, पता नहीं आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। तीन आश्रम में पहला जो है कौन सा होता है, दूसरा और तीसरा क्या होता है, गृहस्थ ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ आता है, फिर तीसरा जो है वानप्रस्थ, वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य का पालन पूर्णतया करो, जब तक कामयाबी नहीं मिलती है, फिर कामयाबी मिल जाए तो गृहस्थ हो जाओ, फिर गृहस्थ के बाद जब गृहस्थ की जिंदगी जी लो 40-50 के बाद, तो अपना वानप्रस्थ, वान का मतलब क्या, जंगल, जंगल की ओर उन्मुख हो जाओ। अब जंगल बचे ही नहीं तो उन्मुख क्या हो गया, तो प्रकृति कुछ बचे ही नहीं रही है, और ना इच्छा शक्ति है वानप्रस्थ की। लेकिन जो है इस पे जो चर्चा करेंगे, चार जो है आश्रम, चार आश्रम का जिक्र जो है, चार आश्रम का, चार आश्रम का जिक्र किसमें है, जबोलो उपनिषद में है, जबोलो, जबोलो उपनिषद, जबोलो उपनिषद कह देते हैं, जबोलो उपनिषद। एक तो चार उपनिषद इसके अनुसार कौन है, तीन तो यही हो जाते हैं, ये तीन तो यही है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। लेकिन इसमें कौन बढ़ाता है, एक प्रकार इस जो है वानप्रस्थ संन्यास जो है, संन्यास, ठीक, तो संन्यास इसमें बढ़ा दिया जाता है। अब हम देखेंगे होती है अगले उपनिषद की, जो अगला उपनिषद इसके अनेक थे, ये अगला जो है यजुर्वेद आता है, यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या है, वही पहले इस पे चर्चा उसी पे करते हैं। पहला इसका जो है क्या थे, इसके पुरोहित, पुरोहित कौन थे, इसको किसने मतलब किस ऋषि के ये उसमें ये प्रकाशित हुआ है, उसका प्रचार हुआ, लिखा गया उनकी दृष्टि से, इसमें मत रखे गए कौन से पुरोहित थे इसके, अघर भी, अघर भी इसके पुरोहित का नाम हो गया। इसका जो है उपवेद, 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 ये क्या है इसका उपवेद, धनुर्वेद, धनुर्वेद। फिर इसमें किस पे चर्चा होती है, इसके हम इसके विषय, विषय यज्ञीय विधि विधान, यज्ञीय विधि विधान, कैसे किस प्रकार यज्ञ करें, कितनी उसकी चौड़ाई हो, उसकी माप हो, इस प्रकार की चीजें, या कौन सी इसकी क्रिया विधि हो, पूजा की यज्ञ विधि विधान, विधि विधान। अब इसके भी कुछ उपनिषद हैं, इसके भी कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो उस पर चर्चा की, अरण्य इसमें भी नहीं है। अब इस पर देखते हैं यजुर्वेद में इसके प्रश्न पूछे गए हैं लगातार, इसमें से विशेषताएं पूछ ली जाती हैं, जैसे छंदोगोपनिषद किससे संबंधित है, कृष्ण से संबंधित है, भगवान कृष्ण से, उसमें देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता है, तीन संन्यास की बात जो है, तीन आश्रम की बात की गई है। आप देखते हैं किसमें, इसका जो हमने पढ़ा था यजुर्वेद, यजुर्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ग्रंथ कौन से हैं, ब्राह्मण ग्रंथ पे हम जो देखें इसमें कौन से प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है, एक तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, दूसरा तैतरी, तैतरे, तैतरे,
तैतरी के ग्राम सतपथ ये सबसे बड़ा ब्राह्मण है। पूछा गया सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन है, सतपथ है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ब्राह्मण है, बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें ही जल प्लावन की कथा का भी उल्लेख मिल जाता है, जल प्लावन की कथा। अब इसलिए इतना डिस्कस करने का टाइम नहीं है और इतना हमें जरूरी भी नहीं जानना पूरी कथा को। हाँ, जल प्लावन से संबंधित कथा का उल्लेख मिलता है जो सतपथ में मिलता है। अब याज्ञवल्क ऋषि के बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है और पुरूर्वा और चौन जो ऋषि थे जिनसे च्यवनप्राश शब्द बना है, तो च्यवन ऋषि का उल्लेख इसमें मिलता है। और तैतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में इतना विशेष कुछ नहीं है, बस आ जाए तो ये इसमें है यजुर्वेद में। और यजुर्वेद की एक खास और बात है, ये गद्य में भी है और पद्य में भी है, मतलब पोइट्री में भी है, कॉम्प्रहेंशन में भी इसको इसका रहता है मामला यजुर्वेद। अब इसमें जो है उपनिषद 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 में देखते हैं, तो उपनिषद में कंठोपनिषद है, कंठोपनिषद है, कंठोपनिषद, कंठोपनिषद में यम नचिकेता का जो मैटर मिलता है, यम नचिकेता, यम और नचिकेता की कहानी है। पूछा गया है यम नचिकेता का जो वर्णन है किस उपनिषद में, यम नचिकेता इसकी कहानी है पूरी, उसकी बात में चर्चा होगी कभी जब टाइम मिलेगा। अभी तो एग्जाम ओरिएंटेड जो हमें पढ़ना है, जो प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। फिर कठोपनिषद में यम नचिकेता की कहानी, फिर बृहदारण्यक उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद उपनिषद है। इसमें भी गार्गी और याज्ञवल्क मुनि का संवाद है, गार्गी संवाद है। कभी पूछ रहे हैं गार्गी संवाद किससे, गार्गी संवाद या गार्गी वल याज्ञवल्क याज्ञवल्क मुनि संवाद, मुनि संवाद है ये इस प्रकार से। अब प्रश्नोपनिषद एक आता है, प्रश्नोपनिषद, प्रश्नोपनिषद ओम शब्द जो आता है, ओम ओम शब्द का उल्लेख इसी में है प्रश्नोपनिषद में। और इसमें क्या रहता है प्रश्नोपनिषद, निष्काम कर्म, क्योंकि गीता में बताया गया है कार्य करो फल की इच्छा ना करो। सही बात है, कार्य के समय जो फल सोच लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, जब कार्य करेंगे इच्छा तो उस फल तो एक दिन मिलना ही है, तो निश्चित ही है। फिर तो प्रश्नोपनिषद हो जाता है कि निष्काम कर्म, क्योंकि गीता में भी इसको बताया गया है, भगवद्गीता में निष्काम कर्म संबंधित। फिर जो आता है इसलिए जो है कंठोपनिषद में आता है कंठान्योपनिषद प्रश्नोपनिषद, इस प्रकार जो है ये रहता है कौन सा यजुर्वेद। फिर कौन सा बचता है, एक और बचता है, पद्धति वगैरह पद्धति भी इसी में आ जाती है। तो
कर्मकांड वगैरह आपके ज्यादा इसी में मिल जाता है अथर्वेद में। तो इस प्रकार से देखते हैं फिर जो अथर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ मात्र एक ही है, अथर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ अरण्यक है नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ जो है कौन सा फेमस इसका ब्राह्मण ग्रंथ गोपत पूछा जाता है, एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ ये जरूर देख लीजिएगा गोपत किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये अथर्वेद का है एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ। अब उपनिषद इसके कौन है, भर भर के प्रश्न पूछा गया है उपनिषद वाला, इसका उपनिषद इतना बार पूछा गया है, इग्नोरल प्रश्न देने वाला शर्मा गया है और जिसको हल करने वाला भी शर्मा गया है, इतनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। मुंडकोपनिषद ये पढ़े होंगे, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है ये देखिए, मैं उनको समझाएंगे संस्थाओं में सत्यमेव जयते अशोक की लाट के नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता, तो यहाँ से लेकिन इसको ध्यान रखना है मुंडकोपनिषद है, कभी कभी लिख देता है मंडूकोपनिषद, ठीक है मुंडियोकोपनिषद लिख देता है, मांडव्योपनिषद अलग है, मांडव्योपनिषद अलग है, कभी कंफ्यूज नहीं हो रहा है, मुंडकोपनिषद कर देता है, मंडूकोपनिषद जो मेढक वाला मंडूक है उसको लिख देता है, मांडव्योपनिषद लिख देता है, कंफ्यूज हो जाता है, ये अलग है उपनिषद दूसरा ही अलग है। तो इसमें एक है जो है यज्ञ विधि विधान है, यज्ञ विधि की जो है एक विधि की आलोचना होगी, आलोचना की गई है, साथ में इसको यज्ञ को जो है टूटी नौका के समान बताया गया है ये दर्शाया जाता है यज्ञ को जो है टूटी नौका के समान, इसमें बताया गया है मुंडकोपनिषद में बताया गया है। टूटी नौका से क्या मतलब है, जिस प्रकार टूटी नाव होगी तो नदी के इस तट से या इस छोर से उस छोर नहीं ले जा सकती, ऐसे ही जो यज्ञ है व्यक्ति को जीवन का जो पीड़ा है इससे उधर नहीं पार लगा सकते हैं, तो इस प्रकार बताया गया सबका अपना अपना इसमें मत रहा, ठीक। तो इसमें मुंडकोपनिषद में चर्चा हुई है। अब उसके बाद जो है हम लोग उसके थोड़े से और साहित्य बचते हैं, स्मृतियाँ हैं उनसे प्रश्न पूछे गए हैं, महाकाव्य हैं उनके प्रश्न पूछे गए हैं, वेदांग हैं उनके प्रश्न आए हैं, तो उनकी चर्चा करेंगे। फिर इनमें जैसे सामाजिक स्थिति क्या थी, जैसे शुरुआत में महिलाओं की स्थिति इसमें जो ऋग्वैदिक काल है काफ़ी अच्छी थी, यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था आती है वो जन्म आधारित थी, काफ़ी बेहतरीन व्यवस्था थी। फिर जो विदुषी महिलाएं मिलती हैं अपाला गोसा काफ़ी योग्य थी, प्रॉपर्टी में महिलाओं का जो अधिकार था ये सब था, काफ़ी मतलब शुरुआती ऋग्वेद का जो काफ़ी जो त्रयी तक चला है यजुर्वेद तक कह सकते हैं वो काफ़ी बेहतरीन चला। उसके बाद जो अथर्वेद आया उसमें जो है कर्मकांड की प्रधानता काफ़ी अधिक हो गई, महिलाओं को उस हिसाब से अधिकार नहीं दिए गए। फिर क्या हुआ, वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर एकदम से जो है पहले वाली जो थी कर्म आधारित थी ऋग्वेद काल में, और जो बाद में क्या हो गया जन्म आधारित उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था हो गई, और जो है सामाजिक जो क्षेत्र था उसका भी अलग तरीके से हो गया, राजा की स्थिति अलग हो गई, क्षेत्रीय विस्तार की एक प्रकार से देखें महाजनपद की नींव पड़ने लगी उत्तर ऋग्वेदिक काल से। फिर उसके बाद हम देखेंगे जैन धर्म बौद्ध धर्म शैव धर्म इस प्रकार फिर महाजनपद पे आ जाएंगे। इस प्रकार हमारा प्राचीन भारत मौर्य वंश फिर गुप्त वंश गुप्तोत्तर वंश फिर संगम वंश और थोड़ा बहुत जो है पूर्व मध्य काल आ जाता है अरब के आक्रमण से पहले का समय, इस प्रकार हमारा प्राचीन भारत समाप्त हो जाएगा। ये दो चैप्टर थोड़े से ब्रॉड थे, इसके बाद जो है बुद्धकाल भी थोड़ा सा वास्ट रहेगा चैप्टर, फिर छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उनमें समझने को ज़्यादा है। सब में जो है सामाजिक स्थिति राजनीतिक स्थिति आर्थिक स्थिति और जो कह सकते हैं कि जो उसमें जो और व्यवस्था थी राजा की राजनीतिक स्थिति के बारे में उसके अंग क्या थे उस क्षेत्र के बारे में क्या था इस पर चर्चा विस्तार से होगी। जो भी अगले चैप्टर आएंगे उनमें महत्व चीज़ों पर बढ़ जाएगा, उसमें साहित्य का महत्व उतना नहीं रहेगा उतना और जो व्यवस्थाएँ उन पर महत्व पड़ेगा। जो आपको वीडियो पसंद आता है समझ में आता है तो शेयर करें लाइक करें कमेंट करें, और जो भी समस्या हो आप लोग पूछ सकते हैं, सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।